नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये लाइव क्लिनिक है। तो चलिए लाइव क्लिनिक चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो। जो आप देख पा रहे हो वो अच्छे से देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो वो अच्छे से सुन पा रहे हो। नीचे एक लाइक का बटन दिखे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखे तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है तो वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल चैट कर सकते हैं और दूसरा आप सुपर चैट कर सकते हैं। तो चलिए, हाय सर नीलेश जी, हाय, और चलिए क्वेश्चंस लेते हैं आपके फटाफट से। और आप लोग आने भी लगे, हेलो हाय, और सुप्रिया जी हेलो। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से। हाय हेलो चल रहा है, अब 47 लोग देख रहे हैं और फटाफट से क्वेश्चन भी आना चालू हो जाएगा कुछ ही देर में। चलिए आने लगा है क्वेश्चन। और हाँ, तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं और सवाल है, सर इसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन, देखिए धातु रोग के लिए अश्वगंधा, मदर टिंचर, डैमियाना और जिनसेंग मदर टिंचर, ये तीनों आप मिलाइए और मिलाने के बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर पीजिए और 5x हाई पावर कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पी रवि जी का सवाल है, सर ट्रीटमेंट ऑफ ओडिमा इन द लेग विथ ब्रीथलेसनेस ड्यू टू द कार्डियक प्रॉब्लम। देखिए कार्डियक प्रॉब्लम के कारण अगर ओडिमा और ब्रीथलेसनेस दोनों ही है तो आपको क्रेटेगस मदर टिंचर, हालांकि इसकी आप जो भी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है और मेडिसिन चल रही हैं उसे कंटिन्यू करिएगा, लेकिन साथ में आप क्रेटेगस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर लीजिए। डिजिटेलिस 200 पोटेंसी में 2 बूंद शाम को ज़रूर यूज़ करें। और साथ में आप अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। ये मेडिसिन आप 3 महीने तक लें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर यू हैव अ ग्रेट नॉलेज, रिस्पेक्ट यू सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल है सर, बेलाडोना, लीडमपाल, हेपरसल्प, फैटिस, एलिशिया, काली म्यूर, पल्सेटिला मिक्स करके 2 बार लगभग 29 डेज से खा रहा हूँ और टाइम जबड़ा दर्द होना, क्या खाने के टाइम जबड़ा दर्द होना कम बंद हो जाता है। ENT डॉक्टर ने जबड़े के जॉइंट में सूजन बताई है। देखिए मुझे लगता है कि आप हेपरसल्फ इसमें से निकाल दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। साइलिशिया भी अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो तो वो भी निकाल दें, पल्सेटिला भी निकाल दें। आप बेलाडोना, लीडमपाल और काली म्यूर यूज़ करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक सवाल है और सवाल है सर, ईडिमा इन द लेग, और इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन है रुस्तम जी के तरफ से, सर थूजा वन एम डेली ले सकते हैं, अगर वॉट्स की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप ले सकते हैं। एक सवाल है राजा गुप्ता जी का और सवाल है, हेलो सर मेरे फेस में तिल हैं और मैंने आपके न्यू वीडियो में मोल्स वाले तिल की मेडिसिन 2 मंथ यूज़ करा हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं। देखिए तिल में बहुत समय लगता है तो मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लगभग इसे 3 महीने कंटिन्यू करें, अगर आराम हो तो फिर 3-4 महीने और लें। और अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरा क्या एक सौंदर्य क्रीम आती है होम्योपैथी में और उसे आप रेगुलर लगाएं तो वो नॉर्मल क्रीम जैसा लगाते रहें, उससे तिल भी कम हो जाएंगे और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एक सवाल है कुकिंग सो जी का, पाकिस्तान से हूँ और मेरी बेटी लगभग 12 साल की हैं और 2 मंथ से उन्हें टाइफाइड हुआ है, कोई मेडिसिन बताएं। देखिए टाइफाइड की 3 मंथ से टाइफाइड की प्रॉब्लम है तो उन्हें बैप्टिशिया मदर टिंचर, इचिनेशिया मदर टिंचर और चाइना मदर टिंचर, ये तीनों आप बराबर मात्रा में मिलाएं और मिलाने के बाद लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर दें और बैप्टिशिया 200 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम ज़रूर दें। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक दें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राजा गुप्ता जी का सवाल है, हेलो सर मेरे फेस में, इसका आंसर मैं दे चुका, शायद ऊपर निकल गया क्वेश्चन। एक सवाल है बॉस जी का, सर लोअर लोब ऑफ लंग्स में थोड़ा निमोनाइटिस है, कोई मेडिसिन बताएं। देखिए ये वायरल ही होगा जहाँ तक, और हो सकता है कि कोविड के कारण हो तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगर अभी अभी हुआ है और तुरंत
आपको इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, तो ये आप ज़रूर टेस्ट करा लें और मेडिसिन भी लें। लेकिन साथ में आप एक मेडिसिन जस्टिशिया मदर टिंचर 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार फेरम फॉस 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम, और एस्पिडोस परमा मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर यूज़ करें, तो ये मेडिसिन भी आप ऐड कर लीजिएगा। एक सवाल है, और बीड़ी छोड़ने की दवा डेफने इंडिका अच्छी मेडिसिन है, अगर आपको तम्बाकू की लत है, चाहे वो तम्बाकू खाने की लत हो, चाहे वो रासरी गुटके की लत हो, चाहे वो सिगरेट की लत हो या बीड़ी की लत हो, तो डेफने इंडिका मदर टिंचर आप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। इसका ट्राइचुरेशन टैबलेट भी आती है, तो उसे भी ले सकते हैं, और 1x ट्राइचुरेशन टैबलेट में 1 गोली सुबह दोपहर शाम। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लें, आपको आराम लगे तो इसे 2 महीने तक कंटिन्यू करें और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एक सवाल है पी रवि जी का, सर ट्रीटमेंट ऑफ सोरायसिस इन स्कैल्प और हिप इज इट क्यूरेबल? देखिए थोड़ा समय लगता है सोरायसिस में, क्योंकि ये इन एलोपैथी में तो इनक्यूरेबल डिसीज़ है और ऑटोइम्यून डिसीज़ भी है, तो इसमें समय लगता है। और R65 इसकी सबसे बेहतर दवा है। R65 आप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर यूज़ करें, और साथ में आप पेट्रोलियम 200 दो बूंद शाम को लें, और बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर 6 गोली सुबह शाम। सभी मेडिसिन में 10-15 मिनट का अंतर ज़रूर दें। सोरायसिस में क्या नहीं खाना और क्या खाना है, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रिकॉशन पे, तो ज़रूर वो वीडियो देखें और उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, और सोरायसिस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक सवाल है सिद्धांत पाइल्स, फार्मूला में हेमामेलिस क्यों मिक्स करना चाहिए या नहीं अगर ब्लीडिंग ना हो तो? देखिए हेमामेलिस क्यों का काम सिर्फ ब्लीडिंग का नहीं है, हेमामेलिस क्यों से जो वेन में आपका ब्लड जो है वो जमा हुआ है और जिससे पाइल्स बाहर निकला हुआ है, एक्चुअली में पाइल्स क्या है, पाइल्स रेक्टल वेन में जो ब्लड है वो प्रोट्यूड हो जाता है बाहर, जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण उसमें जमा हो जाता है और वो बाहर यानी वापस नहीं जाता है, और साथ में वो उस वेन का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होने के कारण वो जो खून है वो उसका सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, तो हेमामेलिस से वो सर्कुलेशन भी अच्छे से होने लगता है और जो पाइल्स है जिसको आप मस्सा बोलते हैं वो भी कम होता है, तो ज़रूर आप हेमामेलिस यूज़ करें। एक सवाल है सर अर्टिकेरिया हिप्स लगभग 5 दिन से है और क्रॉनिक नहीं है, लाइफ में सेकंड बार हुआ है, फ़िश खाई थी मैंने, आपकी प्रिस्क्राइब कौन कौन सी दवा लूँ? देखिए एक तो अर्टिका यूरेनस ज़रूर लीजिए, वो मिल भी जाएगी आप मदर टिंचर में लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में हर 2-2 घंटे में ले लीजिए, इससे आपको तुरंत आराम लग जाएगा। और फिश दोबारा मत खाइएगा, इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो अभी आपको थोड़ी सी एलर्जी है लेकिन अगर आप बार बार इसे खाते रहेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर हर 2-2 घंटे में लें, आज और कल, और फिर उसके बाद दिन में 3 बार यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। और एस्ट्रेगस फ्लेविया टेलिस्ट्रेटी 2 बूंद सुबह शाम ज़रूर पिए। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एक सवाल है तिवारी जी का, सर चाचा का पल्स रेट 45-55 रहता है, एज 55 है। देखिए पल्स रेट बहुत ज़्यादा कम है, इनको एक कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, हार्ट के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इतना पल्स रेट कम क्यों है? मोस्टली तब इतना पल्स रेट कम होता है जब जो SA और AV नोड हैं जो हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं एक तरह से हिंदी में बोला जाए, और हार्ट को पंपिंग करने में मदद करती हैं, वो नोड्स वहाँ से प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण हार्ट जो है वो कम धीमा धीमा काम करता है, तो पल्स रेट इसलिए कम हो सकती है, और बाकी सिंपल कारण भी हो सकता है उसका, तो ज़रूर एक बार दिखा लें। अब पल्स रेट अगर कम है तो उन्हें विस्कम एल्बम ज़रूर दें, और विस्कम एल्बम 31 बूंद सुबह सुबह दें, साथ में आप बायो कॉम्बिनेशन 28 नंबर 6 गोली सुबह दोपहर शाम दें, और क्रेटेगस मदर टिंचर लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के 1 बार रात में दें, ये मेडिसिन बहुत बेहतर है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एक सवाल है, और ये सवाल है सर हाउ टू यूज़ एग्नस कास्ट 200 2 ड्रॉप्स इन नाइट, और ये मेडिसिन कम से कम 3 महीने तक ज़रूर लें। और ये सवाल था आदित्य जी का, सर हेलो सर, बचपन से कान में दर्द रहता है और कोई मेडिसिन बताएं, मैं फ्रूट भी नहीं खा सकती, एप्पल खाया तो कान में दर्द हो जाता है। देखिए आप एकोनाइट
200 एक बूंद सुबह सुबह यूज़ करें और हिस्टामिनम 200 एक बूंद शाम को लें। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लेके देखें, आपको आराम लगे तो 15 दिन और ले लीजिए, और फिर आराम लगे तो लगभग 1-2 महीने कंटिन्यू कर दें और फिर बंद कर दीजिए। ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और मेडिसिन सेफ है। एक सवाल है, और ये सवाल है सर आपकी प्रिस्क्राइब कौन कौन सी दवा लूँ सर, प्लीज़ बताएँ। क्वेश्चन पूरा नहीं है, एक सवाल है सर मेरे को जो है सी वायरस इन्फेक्शन लगभग 20 अप्रैल को हुआ, अभी सीआरपी और डीडेमर रेंज में है, और एक्सरे कराया था 10th मई को, तो उसमें लोअर लोब में लंग्स में थोड़ा सा निमोनाइटिस, सिटी स्कैन दोनों में हुआ था, और लगभग 20 अप्रैल है, स्कोर 3/25 है, तो अब ठीक हो गया है पूरी तरीके से। आपको खुश होना चाहिए और आराम करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अब सही हो गया है बॉस जी, तो आराम करिए, टेंशन मत लीजिए, और सिर्फ जस्टिशिया मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें, और एस्पिडोस फर्मा मदर टिंचर लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लें। ये मेडिसिन आप 15-20 दिन तक ले लें तो धीरे धीरे जो थोड़ा, हालांकि पूरा ही ठीक हो गया, 3/25 मतलब लगभग पूरा ठीक हो गया, तो वो अपने 2-3% तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आराम करें, जितना हो सके आप आराम करें, सोएं लेटें आराम करें, बस आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो ही गए। तो जो बचा हुआ थोड़ा सा वीकनेस है, भूख नहीं लग रही है, या भूख ज़्यादा लग रही है, किसी किसी को भूख ज़्यादा लगने लगती है, तो भूख नहीं लग रही है वीकनेस के लिए, ये अच्छी मेडिसिन है, आराम, और बाकी आप जस्टिशिया और एस्पिडोस्पर्मा कंटिन्यू करें। एक सवाल है सर, आपने IBS पर एक वीडियो बनाया है, और आपने 2DRCNC कॉम्बिनेशन और एग्लेफोलिया क्यूब ही IBS के लिए अच्छी बताई है, सजेस्ट करें सर। देखिए IBS पे मेरा वीडियो जो है वो काफ़ी बेहतर है, और अगर उसे आप लेंगे तो IBS में आपको आराम लगेगा, तो उसे ले लीजिए, और साथ में एग्लेफोलिया मदर टिंचर ले लीजिए, 2DRCNC को लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्लेफोलिया मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और IBS वाला वीडियो देख के बाकी मेडिसिन ले लीजिए। ये मेडिसिन 1 महीने तक लीजिए, अगर आपको आराम लगता है तो इसे आप 3-4 महीने कंटिन्यू करें, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एक सवाल है रचित कुमार जी का, सर रिसेंटली क्या लिखा होगा, रिसेंटली हेयर लाइन के लिए DST कॉम्बिनेशन आपका लगा सकता हूँ क्या, और उसे पूरे हेयर में भी लगा सकता हूँ। देखिए जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर आप लगाएं, और बाकी जहाँ पर बाल हैं वहाँ ज़ेबरेंडी ऑयल लगाएं, जो कि आप लिख रहे हैं, तो ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कहते हैं, हाँ DST कॉम्बिनेशन जो है जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल है सर हाउ टू गेन वेट, देखिए वेट बढ़ाने के लिए अल्फ़ा माल्ट बहुत ही बेहतर दवा है, अल्फ़ा माल्ट 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह शाम पिएं, ये मेडिसिन आप ज़रूर यूज़ करें, और साथ में आयोडम 200 तो उन सुबह सुबह लें, ये मेडिसिन आप लगभग 1 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रंजन द्विवेदी जी का सवाल है सर, एज 33 ईयर है और कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, अल्फ़ा सुपर ABCD ले सकते हैं क्या? बिल्कुल आप अल्फ़ा सुपर ABCD ले सकते हैं, एक ढक्कन सुबह शाम यूज़ करें, अच्छी मेडिसिन है और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एक सवाल है, और ये सवाल है विकास कुमार जी का, सर नींद नहीं आती और कॉफ़ी अक्रूडा से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए कॉफ़ी अक्रूडा उतनी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन मुझे नींद में, किसी किसी को तो इफेक्टिव है, तो इतनी इफेक्टिव है कि 1-2 डोज में इफेक्टिव है, नहीं तो वो इफेक्ट नहीं करती। तो मोस्टली अगर नींद ना आए तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर लेना चाहिए, और इसे लगभग आप 15-20 बूंद रात में 1 बार आधे कप पानी के साथ लें, और दोपहर में भी ले सकते हैं, साथ में आप रेस्क्यू रेमडी 30 ज़रूर लें, 2 बूंद पिए रात में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक सवाल है सर इम्यूनिटी के लिए, देखिए इम्यूनिटी के लिए आप एक तो आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद सुबह सुबह हर संडे यूज़ करें, और साथ में आप मेरा आरोग्य होमियो कॉम्बिनेशन देखें, और उसे आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर लें, या 2 बार तो कम से कम ज़रूर लें। एक सवाल है, और ये सवाल है राकेश कुमार जी का, सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट। और शाइक जी की तरफ से सवाल है सर, आई एम गेटिंग राइट साइड बॉडी पेन होता है, और राइट हैंड और राइट लेग में होता है, एंड व्हेन आई स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड एंड आई एम यूजिंग एडल 39 एंड आई हैव अ शियाटिका प्रॉब्लम
फ्रॉम लॉन्ग टाइम, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, आपको शियाटिका की प्रॉब्लम है तो आपको आर्डिका 200 दो बूंद सुबह शाम और विस्कम एल्बम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। साथ में R71 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। लगाने के लिए रूमाटोन ऑयल दिन में 2 बार सुबह शाम ज़रूर लगाएं। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल है रंजन द्विवेदी जी की तरफ से, सवाल है सर, एज 33 ईयर है और कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, अल्फा अल्फा सुपर ABCD ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, एक ढक्कन आप डेली एक बार लीजिए, अच्छी मेडिसिन है, आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो 1-2 महीने तक ज़रूर लीजिएगा। एक सवाल है फनी ग्रुप जी का, सर मेरे को विटामिन B12 का प्रॉब्लम है और न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन लेने के बाद ठीक नहीं हो रहा है। सर इंजेक्शन लेने के बाद गैस और वीकनेस होती है और मेरा विटामिन का लेवल 179 जो है 0.5 है। देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप थोड़ा सा नॉन वेज जो है वो खा सकते हैं, इससे भी आपको विटामिन मिलेगा B12। और साथ में आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप दूध पीजिए और दही का सेवन ज़रूर करिए, इसमें काफ़ी आपको विटामिन B12 मिलता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और विटामिन B12 के लिए बी कॉम्प्लेक्स भी आप ले सकते हैं, अगर आपको न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन से प्रॉब्लम हो रही है तो बी कॉम्प्लेक्स या और भी इसके सप्लीमेंट्स आते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी में सप्लीमेंट्स तो स्पेसिफिक नहीं आता है तो मैं सप्लीमेंट नहीं बता सकता हूँ, तो उसके लिए आपको और सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ेगा या तो फूड सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट अगर आप मल्टीविटामिन वगैरह लेंगे तो कुछ दिन तक वो ठीक रहता है, लेकिन फिर से वापस जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं वैसे ही हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसा फूड में अपने खाने में रेगुलर ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सिंपली दूध दही का सेवन, थोड़ा पनीर का सेवन थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो विटामिन B12 आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। मतलब दिन में कम से कम, जैसे गर्मियां हैं तो थोड़ी सी दही खा लीजिए, अगर ठंडी है तो थोड़ा दूध पी लीजिए, तो इस टाइप की चीज़ें दिन में आपको करना ही पड़ेगा, और जिससे आपका रेगुलर विटामिन B12 जो है वो नॉर्मल रहेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये चीज़ ज़रूर करें। अब अगर आपका डाइजेशन ख़राब है तो आप नक्सफोमिका 200 दो बूंद शाम को यूज़ करें, और साथ में आप एक मेडिसिन और लें, कैंट गैस कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह शाम, मुझे लगता है गैस की भी प्रॉब्लम होगी तो उससे भी आपको आराम लग जाएगा। तो एक सवाल है, सजेस्ट मेडिसिन ऑफ द पैरानाइट्स नाइन्स डिसीज। देखिए, इसके लिए थूजा बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, थूजा आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें और कालीफॉस 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें और कॉस्टिकम 30 1 बूंद शाम को यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लें, अगर आपको आराम लगता है तो इसे 3 महीने लगातार लें और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल लेते हैं, और सवाल है सर, लेफ़्ट साइड में लगभग 4 mm का और 3.5 mm का अपर और मिडिल लोअर कैलेक्स में, राइट साइड में इतने इतने mm का लोअर कैलेक्स में, और स्टोन की प्रॉब्लम है। स्टोन इन्होंने नहीं लिखा, बाकी सब लिख दिया है, पस सेल भी हैं। देखिए, पस सेल अगर हैं और बर्निंग यूरिनेशन होता है तो कैंथेरिस 200 दो बूंद शाम को और साथ में R18 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें, और साथ में बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ज़रूर यूज़ करें। ये मेडिसिन आप लगभग 2-3 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और 1 महीने में ही काफ़ी आराम लगेगा, तो इसे कंटिन्यू करिएगा 2-3 महीने में, और फिर धीरे 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 स्टोन्स जो हैं वो आपके निकल जाएंगे। इतने छोटे छोटे आपको मल्टीपल स्टोन्स हैं तो आप अपना यूरिक एसिड टेस्ट भी करा लीजिए, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो तो फिर आप इसी के साथ अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर भी ले लीजिएगा। अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार। और ये सवाल था डेओली जी के तरफ से, अमित तिवारी जी का सवाल है, सर आई हैव सीन योर हाइट इंक्रीज वीडियो, यू मेंशन 3 मेडिसिन, फर्स्ट इज़ बराटा कार्ब, सेकेंड इज़ राइट हाइट की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग सी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड 3x, और एज ऑफ माई सन इज 16 ईयर एंड हिज हाइट इज 160 सेंटीमीटर, प्लीज सजेस्ट हाउ टू टेक द मेडिसिन। देखिए, इसमें से आपको पिट्यूटरी
अभी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बरेटा का 200 दो बूंद सुबह सुबह हर संडे और वेनेसडे दीजिए, और राइट हाइड टेबलेट दो गोली सुबह दोपहर शाम चूसने के लिए दीजिए। ये मेडिसिन सफिशियंट मेडिसिन है। और कुछ ऐसा गेम अगर हो सके तो, अभी तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद जैसे कि एक तो बैडमिंटन खेलने से हाइट बढ़ती है, ये मैंने बहुत देखा है, अपने ही मैं एग्जांपल लेके बोल सकता हूँ, तो उससे हाइट बढ़ती है। और दूसरा जो है वो बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है। तो ये दो गेम में से कोई एक गेम अगर बच्चा 1 साल 1.5 साल थोड़ा सा खेलता है उसको, तो ज़्यादा बढ़िया चांसेस बन जाते हैं हाइट बढ़ने के। तो गेम ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज करने से ही हाइट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ पाती है। और अभी एज भी है 16 to 17 में काफ़ी हाइट बढ़ने की संभावना रहती है, तो ज़रूर अभी मेडिसिन भी दें और फिज़िकल एक्सरसाइज और हाइट बढ़ने वाले जो गेम, ये दो गेम मैंने आपको बताए, तो ये दो गेम आप खेल सकते हैं, खिलवा सकते हैं बच्चे को, बच्चा खेल सकता है। एक सवाल है सर, एक्यूट थ्रॉट पेन एंड एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए मेडिसिन बताएं। देखिए, इसके लिए बेलाडोना 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम, ये चीनी शहद मधु टिंचर गोएका मधु टिंचर दोनों को मिला के 20 बूंद आधे का पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें, और साथ में आप बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 5 दिन तक लें, आपको आराम लग जाएगा। प्रशांत जी, एक सवाल है अंकित वर्मा जी के तरफ से, और सवाल है सर, 60 फीमेल हैं और उनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, गॉलब्लैडर स्टोन भी है शायद, और वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, वीकनेस कम नहीं हो रही है। देखिए, कोलाइटिस और गॉलब्लैडर स्टोन के लिए उन्हें आप सबसे पहले हाइड्रास्टिस मदर टिंचर और इचिनेशिया मदर टिंचर, ये दोनों ही बराबर मात्रा में मिलाएं, और मिलाने के बाद लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए। साथ में बेलाडोना 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम, मर्कसोल 200 दो बूंद शाम को दीजिए। मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अंकित गोयल जी का सवाल है, सर मैं आपका क्लारकेयर फार्मूला और R89 यूज़ कर रहा हूँ, वैक्सीन लगवा सकता हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? देखिए, वैक्सीन का वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं, जैसे कि आपको बहुत हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और हार्ट की प्रॉब्लम ऐसे जैसे कि आपने बाईपास करा के रखा हुआ है, तब तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और बाकी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, 2 दिन पहले मेडिसिन बंद कर दीजिएगा जब लगवाना हो तो, जब आपका नंबर आया, और 2 दिन 3 दिन तक कोई मेडिसिन और मत लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो पैरासीटामोल, वो डॉक्टर आपको बताएंगे, फिर आप मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, 2-3 दिन का गैप आगे पीछे ज़रूर दे दीजिएगा, ये भी एक प्रिकॉशनरी है, ऐसा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक सवाल है रानी जी की तरफ से, थैंक यू सो मच सवाल करने, सवाल नहीं सुपर चैट है विदाउट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच रानी जी सुपर चैट करने के लिए। एक सवाल है सर, डायबिटीज़ में इंसुलिनम 30 के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं दिखे। रिसेंटली हेयर लाइन का क्या, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, और एक काफ़ी सारे क्वेश्चन वही वही रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा नीचे से लेता हूँ। और एक सवाल है सर, किड इंटरटेनमेंट जी का, डॉक्टर साहब मेरे बाल दोनों साइड के झड़ गए हैं, और जो दाढ़ी है वो भी सफ़ेद हो रखी है, और एसिड फॉस से फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए, एसिड फॉस तो अच्छी मेडिसिन है, बाल झड़ने से भी रोकता है, आप क्लार्क हेयर फार्मूला ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो क्लार्क हेयर फार्मूला 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, और साथ में आप ज़ेबरेंडी ऑयल वीजल कंपनी का ज़रूर लगाएं, ये मेडिसिन रेगुलर यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक सवाल है सर, प्लीज़ पेट में बहुत जलन और सीने में पीठ में दर्द है, और कल से, देखिए मुझे लगता है नक्सभूमि का 200 दो बूंद शाम को, और साथ में कैंट गैस कॉम्बिनेशन 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एक सवाल है सर, एज 47 है, फैटी, और सर प्लीज़ दवा बताएं। देखिए, मुझे लगता है नक्सभूमि का 200 दो बूंद शाम को, और साथ में फैटी लीवर के लिए आप लिफ्टी सिरप ज़रूर पिएं, लिफ्टी सिरप 1 ढक्कन सुबह शाम ज़रूर पिएं, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक सवाल है शानिक शाह जी की तरफ से, सर राइट साइड बॉडी पेन ड्यू टू द शियाटिका ओनली। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो राइट हो या लेफ़्ट हो, वो आपको असर करेगी, तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा, बॉडी पेन भी ठीक हो जाएगा और शियाटिका की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होने लगेगी। तो मेडिसिन अगर आपको आराम लगे, पहले 15 दिन लेके देख लीजिए, आराम लगे तो कंटिन्यू करिएगा। ये आपने शायद पहले भी क्वेश्चन किया है
हाँ बिल्कुल, तो वही मैडस है ना, मैं राइट लेफ्ट ज़्यादा देखता नहीं हूँ, राइट लेफ्ट से कुछ होता भी नहीं है इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ। पहले बहुत देखा करता था कि राइट साइड पेन है तो ये मेडिसिन, लेफ्ट साइड पेन है ये मेडिसिन, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मेडिसिन आर्निका, रूटा, हाइपेरिकम, रक्सटॉक्स, ब्रायनी है, यही यूज़ करने से दर्द में आराम लगता है। और सियाटिका में आर्निका, विस्कम एल्बम, R71, रूमाटोन ऑयल ही यूज़ करने से आराम लगता है, तो मैंने अब वही मेडिसिन देता हूँ। तो आप बिल्कुल मेडिसिन यूज़ करें, आपको आराम लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है सर, प्लीज़ टेल मी द, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो छोटा छेद, मेडिसिन बताएं। क्वेश्चन, छोटा छेद मतलब इसका डायग्नोसिस क्या है, ये छेद कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में छोटा छेद, ये क्या, इसकी क्या मेडिसिन बताऊँ मैं आपको, सिम्टम भी लिखने पड़ेंगे। आप मुझे ईमेल कर दें, आप कीर्ति विक्रम सिंह परिहार @gmail.com पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं रेगुलर अभी फिर से ईमेल के आंसर देने लगा हूँ। एक सवाल है सर, बीच में अभी मैंने सिर्फ कोविड कोविड के आंसर दे रहा था, लेकिन अब मैंने देखा कि काफ़ी कम हो गए हैं ऑनलाइन कोविड के पेशेंट्स आना, तो मैंने अब ईमेल के भी आंसर देता हूँ। एक सवाल है सर, हैविंग ड्राई कफ आफ्टर दिस, देखिए ड्राई कफ के लिए आप सी वायरस इन्फेक्शन के बाद अगर ड्राई कफ होता है तो आपको कालीविस 30 और हायसेमस 30 और रूमेक्स 30, ये तीनों को मिला के 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करना चाहिए, और अल्फ़ा कफ सिरप या R9। R9 अगर आपको डायबिटीज़ है तो अल्फ़ा कफ सिरप मत यूज़ करके R9 यूज़ करिएगा, लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। आज मैंने बोला नहीं तो आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया, आज भूल गया लाइक बोलना, तो अभी लगभग 250 लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेकिन लाइक सिर्फ 100 हैं, तो लाइक तो करना बनता ही है, लाइक से ही मुझे आनंद मिलता है, और आपको भी लाइक करेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, तो लाइक देख के आनंद ज़रूर आता है, तो उसका थोड़ा ध्यान ज़रूर रखा करें। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो बस आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। एक सवाल है सुधीर जी का सर, 13 ईयर ऑटिज्म बॉय है विथ फिट इशू सिम्टम्स, फिट्स भी आते हैं उसे, और माउथ ओपन वाइल अटैक एंड पाम एंड फीट जो है वो स्वेट आता है, चिल भी है, और फिंगर कोल्डनेस वाइल अटैक एंड टेकिंग बुफोरेना 6 एंड R33। मेडिसिन तो सही ले रहे हैं, मेडिसिन सही ले रहे हैं, हाँ बुफोरेना 6 में अगर ले रहे हैं तो सही मेडिसिन ले रहे हैं, बुफोरेना 6 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार, और सब R33 लगभग 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। देखिए मुझे लगता है कि आप उन्हें एक अच्छे न्यूरो को भी दिखाइए और EEG फिर से करा लीजिए, और उसकी स्टडी कर लेंगे वो डॉक्टर, अगर अभी नहीं तो 15-20 दिन बाद, जब थोड़ा सा कोविड, उस समय क्या है कि डॉक्टर्स भी बहुत टेंशन में रहते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान वो आप समझ नहीं सकते, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अब उनका भी सबका प्राण है ना, दिक्कत ये हो जाती है, सब इंसान के अंदर एक प्राण होता है, वो प्राण के सारे कारण दिक्कत होती है, तो वही चीज़ है। और थोड़ा सा आप 15-20 दिन बाद एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के, एक EEG करा के, MRI जो भी बोलते हैं, EEG मेन है वो करा के, उनसे भी मेडिसिन ले लीजिएगा। अभी बुफुर है ना, अच्छी मेडिसिन है, उसको 6 CH में दे रहे हैं, उसको आप दिन में 5 बार दे दीजिए, और साथ में R33 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दे दीजिए, साथ में एगेरिकस दे सकते हैं, एगेरिकस 200 पोटेंसी में 2 बूंद शाम को, ये मेडिसिन से काफ़ी आराम लगेगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए सुधीर जी। और एक सवाल है सर कल्पेश जी का सर, IBS और फिस्टुला के लिए मेडिसिन बताएं, करीबन लगभग 5 सालों से है परेशानी। देखिए IBS और फिस्टुला की अगर प्रॉब्लम है तो आप नक्सवमे का 200 2 बूंद शाम को ज़रूर यूज़ करें, और साथ में आप ऐसे नाइट्रिक 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और FP टैबलेट आप लगभग 2 गोली दिन में 3 बार ज़रूर पी चूसना है इसे, और FP ऑइंटमेंट लगाना है दिन में 2 बार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। दिनेश जी का सवाल है सर, माई मॉम हैज़ अ रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द हर नोज़ एंड सिंस 2, 3 to 4 days, एंड कैन यू प्लीज़ सजेस्ट वॉट इट इज़ एंड विच ट्रीटमेंट
इज़ बेस्ट। देखिए व्हाट इट इज़ में बहुत इसके डायग्नोसिस हो जाएगी, एक तो पॉलिप हो सकता है, दूसरा सिंपल एक छोटा सा बॉयल हो सकता है, फोड़ा हो सकता है नाक में, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब पॉलिप है या बॉयल है ये देखना पड़ेगा। सिंपल नाक में इन्फेक्शन हो जाता है और बॉयल हो जाता है, जिसको हम बाहर बड़ा हो जाए तो उसको बलतोड़ बोलते हैं, छोटे फुंसी रहें तो उसे फुंसी बोलते हैं, बड़ा हो जाए मीडियम साइज़ का उसको फोड़ो बोलते हैं, तो वो हो सकता है या तो पॉलिप होगा। तो अगर ये फोड़ा है तो हिपरसल्फेटी 2 बूंद दिन में 3-4 बार देने से काफ़ी आराम लग जाएगा। अगर पॉलिप है तो लेमिना माइनर 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और साथ में TMV 30 दो बूंद सुबह शाम ज़रूर यूज़ करें। मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने यहाँ जो लोकल डॉक्टर हैं, हालांकि बड़ा मुश्किल है किसी का नाक देखना, बहुत कम डॉक्टर देख पाते हैं, और जो भी देखेंगे वो कैमरे के थ्रू ही देखेंगे, तो वो चीज़ ज़रूर करा लें। अभी मुझे लगता है हिपरसल्फेटी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम और लेमिना माइनर 200 2 बूंद शाम को देंगे तो आराम लग जाएगा। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। और एक सवाल है, आई एम ट्राइंग टू सुपर चैट। देखिए अगर सुपर चैट नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मल चैट कर दीजिए, कुछ 2-3 बार अगर आप करेंगे तो ज़रूर आंसर दे दूंगा। अगर इसी की जगह आपने क्वेश्चन लिखा होता तो आपको आंसर मिल चुका होता। योगेश सिंह जी का सवाल है सर, मेरे हेड में फंगल इन्फेक्शन है और हेयर लॉस बहुत हो रहा है 2 साल से, एज 20 है, हेयर रूट जो है वो बाहर निकल आते हैं। देखिए फंगल इन्फेक्शन के लिए आप आर्सेनिक 200 2 बूंद सुबह सुबह और क्लार्क हेयर फार्मूला 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ज़रूर यूज़ करें, और ज़ेबरेंडी मदर टिंचर और एजार्डी रेक्टा मदर टिंचर ये दोनों ही बराबर मात्रा में मिलाएं, इन दोनों को ही, और मिलाने के बाद आप ज़रूर लगाएं सुबह शाम, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लाइव क्लिनिक लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिखे तो उसको दबाना बिल्कुल भी देगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखे तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे नीचे एक शेयर की बटन दिखे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।